शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद एक खुशी की लहर सी पूरी दुनिया भर में दौड़ चुकी है। ऐसे में बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। इश्करण भंडारी ने भी जो है अपनी खुशी जाहिर की और अब कंगना रनौत ने अपनी खुशी जाहिर की है और साथ ही आप सबको शुक्रिया, आप सबका जो है शुक्रिया अदा किया है। और हम सब ये भी जानते हैं कि किस तरह से आज सुबह से महाराष्ट्र सरकार की तरफ कंगना रनौत पे लगातार वार पे वार हो रहा है और कंगना कहीं ना कहीं डट के खड़ी है क्योंकि उन्हें पता है कि वो सच्चाई के साथ खड़ी है और सच के साथ अगर वो खड़ी हैं तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं। वो महाराष्ट्र क्या कहीं भी जा सकती हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं, उस पे कंगना बिलीव करती हैं, हम सब बिलीव करते हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से कंगना डट कर अभी तक खड़ी हैं। जहाँ तक कि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद, जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं। ऐसे में कंगना ने आप सबका शुक्रिया अदा किया है कि जिस तरह से आप उनके साथ खड़े हैं और साथ ही सुशांत के हक की लड़ाई के लिए जैसे आप सब खड़े हैं, इसके लिए भी कंगना ने ट्वीट किया है। अगर मैं आपको पढ़कर बताऊं तो कंगना ने लिखा है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्रेंडिंग #IndiaWithKanganaRanaut, वी कलेक्टिवली गॉट जस्टिस फॉर सुशांत, दिस इज अ हिस्टोरिक डे, अ क्लोज्ड केस was opened and justice is being delivered. This is the power of collective consciousness. I bow down to your love and compassion for Sushant. तो जिस तरह से आप सब सुशांत के हक की लड़ाई के लिए खड़े हैं, कंगना ने स्टार्टिंग से डे वन से उन्होंने ये कहा कि बॉलीवुड में कहीं ना कहीं ड्रग एक बहुत ही बड़ा एक ग्रुप है जो कि ड्रग कंज्यूम करता है, उनका पर्दाफाश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको इन्वॉल्व है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी बातों को दबाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से सारी चीजें सामने आई, एनसीबी डे वन से आई और लगातार धुआंधार काम पे काम करने लगी, बहुत सारी सच्चाइयां सामने आई। आज रिया के घर पे रेड हुआ, सैमुअल मिरांडा के घर पे रेड हुआ, बहुत सारी जो है चीजें बरामद की गई, सारी चीजें कस्टडी में ली गई और फाइनली शोविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी से आज का दिन जो है खत्म हुआ। ऐसे में हर लोग सामने आ रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और कंगना रनौत ने भी सबका शुक्रिया अदा किया और कहीं ना कहीं अपनी खुशी जाहिर की। आप भी कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको शोविक की गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं उम्मीद आप में भी जगी होगी, हमें कॉमेंट करके आप जरूर बताएं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिया चक्रवर्ती की बारी है अगली, एनसीबी ने उन्हें संडे को समन किया है। अब रिया जो है एनसीबी को जाएं और जवाब दे कि सत्य में विजयते का जो वो पहाड़ा पड़ रही थी वो कितना सही है, क्या जो वो सती सावित्री बनी थी कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, ये बात कितने हद तक सही है क्योंकि उनके भाई ने खुद जो है रिया के खिलाफ गवाही दे दी है, साफ तौर पे कह दिया है कि रिया उन्हें ड्रग्स लाने को कहती थी और दोनों भाई बहन का, शोविक और रिया का, पेडलिंग और कंज्यूमिंग में ड्रग्स के मामले में जो है नाम सामने आ चुका है।